वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनामुल्ला कुकिंग किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे घर में एक मज़ेदार और एक न्यू रेसिपी वापस आपके सामने लेकर आ गए। आप लोग तो हर तरीका का मच्छी खाए हैं, अब मेरे मम्मी के स्टाइल का परवल वटाना डोमा फिश रेसिपी कैसा करके बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखो और वीडियो को स्किप ना करो। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आप लोग को मालूम नहीं पड़ेगा मसाला क्या गया है और कैसा करके बनाया गया है ग्रेवी को। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अच्छी तरह से देखो और मेरे मम्मी के जैसा बना के खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है आपको एक एक करके बताते हैं। दो कांदा, दो बटाटा, हाँ, दो टमाटर, दो कांदा, दो टमाटर, दो बटाटा, 400 ग्राम परवल, हाँ, ये 1 टेबल स्पून जीरा धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। फिश कितना लिए? फिश 400 ग्राम है। फिश 400 ग्राम है, ये डोमा फिश 400 ग्राम, हाँ, ये खाने में बहुत टेस्टी है, ये बड़ा भी आता है छोटा भी आता है। तो अम्मी बोल रहे हैं खाने में बहुत टेस्टी रहता है, इसका बड़ा भी मिलता है छोटा भी मिलता है, छोटा ज़्यादा टेस्टी रहता है। छोटा हम लोग लेके आए, छोटा मतलब मच्छी मार्केट में गए तो छोटा छोटा लेके छोटा छोटा लेके आए। हाँ, ये जो मच्छी जो है ना बड़े भी मिलता है वो भी खाने में टेस्ट है, और ये छोटा भी है, छोटा भी खाने में टेस्ट है। और मैं धोरी थी, जैसे कि मटन धोते हैं ना जैसे चर्बी आता है वैसा चर्बी है ऐसा इसमें। अभी के बारिश का टाइम है ना तो मच्छी में शायद चर्बी चर्बी वाला मच्छी होगा ये अभी के टाइम पे, हाँ, बारिश के टाइम। तो ये मैंने 500 ग्राम ली, अच्छे से काट के धो भी ली। चलो अभी तैयारी करते। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बटाना कितना, और ये जो बटाना जो है एक कटोरा, आधा कटोरा, हाफ कप, हाँ ठीक है। ये फ्रीजर में था, फ्रोजन है। जो फिश है उसको मैरिनेशन कर लोगे, पूरा लोगे कि कम लोगे? आधा लूंगी। अच्छा, आधा लूंगी, ठीक है, इतना लिए। ओके ठीक है। चलो अब देखो कैसा करके मच्छी को मैरिनेशन करते हैं। स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अभी डाल देंगे जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर वो भी डाल देंगे इसमें। अगर ऐसा करके मसाला लगा के फ्राई करोगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। दूसरे को ना चिपकाए बोल के इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे थोड़ा, डेढ़ चम्मच तेल, ये मसाला नहीं खुलने के लिए, मसाला पूरा अंग में लग जाएगा मच्छी का। इधर का भी मैं बनाती हूँ, आप लोग देखो पता चलेगा। ये देखो, अब उसको अच्छे से स्लो से मिक्स करना नहीं तो काटा लग जाएगा। उसको काटा रहे तो बाबा हल्का हल्का एक एक करके ले लेके उसमें मसाला लगा लो। अगर ये तेल नहीं डालते थे ना खुल जाता था मसाला। देखो कैसा मच्छी में मसाला लग रहा है ना, हाँ ये देखो। आप लोग भी ऐसी लगाना, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा एकदम। ये फ्राई करके सिर्फ दाल बनाओ, ऐसी खा लेने का। तवा यहाँ पे बिठा देंगे मच्छी फ्राई करने के लिए। ये तवा काला क्यों मालूम, इसमें ज्यादा धोएगा तो तेल तेल चला जाता है, इसलिए इसको ज्यादा घसते नहीं है। डाल देंगे तेल, 1 कप तेल, तेल गरम हो गया है। अब एक एक करके मच्छी डाल देंगे फ्राई करने के लिए। एक एक करके इसको पलट देंगे, चिपकाना नहीं है, चिपकेगा नहीं। देखो इजीली ये निकल जा रहा है, हाँ। जब भी फ्राई मच्छी फ्राई करोगे, चिकन फ्राई करोगे तो आप लोग थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा या जो वीट का आटा रहता है वो भी डाल दोगे तो नहीं चिपकेगा। कितना माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया। कांदा टमाटर बटाटा और परवल जो है उसको काट लेंगे। ये सब काट लेती हूँ एक एक करके। परवल कैसे करके काटते हैं आप लोग देखो, आप लोगों को तो सबको आता है। छिलका रखना पड़ता है। आप लोग ऐसा गोल काट के भी दे सकते हैं, हाँ तो लंबा फाली भी कर सकते हो। अभी दूसरा काट के बताती हूँ। ये
ये ऐसा कटे और एक रख देती हूँ और इस देखो। अच्छा ऐसा ऐसा भी आप लोग कट कर सकते हो। ये मच्छी का मेन ही मच्छी का ही है ये, कोई मटन वटन बनाते ऐसा बनाते। अच्छा नहीं है वहाँ का। हाँ उधर की फिश फ्राई हो गया, अब ये देखिए सब इधर से सब बराबर काट लेंगे। सी काटूंगी इसको भी, ऐसी काटोगे? हाँ, झींगा से भी बनाओगे तो भी ऐसी काटना। अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है, देखो अब खाने में जैसा लगता है बहुत टेस्ट हो जाता है। हाँ मुझे इसका बीज बहुत अच्छा लगता है परवल का। टमाटर बारीक करना है, बारीक करो, अस्त दो आपके ऊपर दो, टुकड़ा करके दो वो गल ही जाएगा है ना। हाँ वो तो है, तो कट कर लिए, कोनी एक साइड में रख देती हूँ, छील लेंगे मतलब उसको अंदर से धो लेंगे, धो के कट कर लेंगे। कट कम देखो छोटे छोटे टुकड़ों कर लो, छोटा छोटा। हाँ अगर उसको अगर ग्रेट करना चाहते हो ग्रेट भी कर सकते हो। अच्छा ग्रेट करके अगर डालना रहेगा तो। हाँ उसको ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा होगा। कट हो गया है, ये भी एक साइड में रख देती हूँ। साइड में रखेंगे बटाटा, देखो इसमें जड़ आ गया। कितनी बार उगाई थी, अच्छे से आया सब आया लेकिन बटाटा नहीं आया। उधर एक बार आया था बटाटा, आलू में देखी थी उसको मैं। कैसा माटी लगता कैसा लगता नहीं लगता उतना मालूम ही नहीं है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट्स करके बताना कौन सा माटी में आलू होता है। हाँ एक बार आया था, छोटा सा आया था, लेकिन एक बार छोटा सा आया था एक बार। काटती हूँ देखो बट अभी आलू कैसे कट करेंगे, दो टुकड़ों करी। आलू का ऐसा लेने का कैसा ऐ देखो। अच्छा ऐसा इतना मोटा मोटा लेने का। अच्छा वो उसके हिसाब से परवल के हिसाब से लेने का। ओके देखो कितना आलू निकाला होगा बोल के पानी में डाल दिए। परवल के जैसा मैं काट लिया देखो, परवल के लेना है देखो, दूसरा जो बटाटा है। अच्छा परवल के जैसा काटिए देखो। कितना अच्छा लग रहा है, डिजाइन अलग है, अच्छा लग रहा है देख के। कटोगे इसको साइड में रख देंगे, पानी में डाल दिया देखो, काला नहीं होगा, पानी में भी डाल दिया इसको। अभी कटना हो गया, अब ग्रेवी बनाने की तैयारी। चलो चलो हमारे साथ किचन में, रुखसाना मुल्ला का किचन, कुकिंग देखो और किचन देखो। फिश भी फ्राई हो गया अच्छी तरह से एकदम कुरकुरा जैसा, उसको निकाल लेंगे। अब वही उसमें वही गैस में बना लेंगे ग्रेवी। चालू करके कढ़ाई उसमें बिठा देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। बिठ गया तेल, बटाटा फ्राई होगा, परवल फ्राई होगा और बटाना। बटाटा टी पाउडर, नमक, अब उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्राई हो गया है लाल लाल करके, फ्राई कर लिए एकदम। अब उसको निकाल लेंगे करके, आलू फ्राई कर लेके निकाल देंगे। फ्राई हो गया है, चावल है वो उसमें डाल देंगे, हल्दी पाउडर फिर जाएगा, नमक स्वाद अनुसार कर लेंगे अच्छी तरह से। लाल करके फ्राई हो गया है, अब इसे भी उठा लेंगे। ये सब फ्राई करके बनाएंगे ना ग्रेवी बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा हल्दी चला गया, हल्दी और नमक चला गया, तो मिक्स कर लेंगे तरह से मिक्स कर लेंगे। बटाना जो फ्राई करके हो गया है लाल लाल करके, ग्रेवी बनाऊंगी। अच्छा इसमें तो ऐसे तेल डाल के इसमें ग्रेवी बनाओगे? हाँ। ठीक है। जीरा आधा चम्मच, हाफ टेबल स्पून, तेज पत्ता डाल देंगे इसमें आधा, तो मिक्स कर लेंगे ताकि जीरा का अच्छे तरह से खुशबू आ जाए। इसमें क्यों बनाते हैं तो जो फ्राई का जो मसाला है, जो बटाटा का टेस्ट, परवल का टेस्ट, बटाना का टेस्ट, मच्छी का टेस्ट सब मच्छी नहीं, इसमें मच्छी फ्राई नहीं करी। अच्छा हाँ इसमें नहीं, नहीं मतलब मैं बता रही हूँ अगर करेंगे साथ में मिलके बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। खुशबू आ गया है, अब जो कांदा कट कर गए तो वो डाल देंगे इसमें, गार्लिक पेस्ट, टमाटर जो कट करके रखे थे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर गल जाए। गल गया है, जो मसाला था वो सब डाल देंगे इसमें अच्छी तरह से, थोड़ा सा पानी डाल डाल के उसको भून लेंगे अच्छी तरह से। उसी मसाला का बास अभी भी आ रही है, कच्चा कच्चा भाव, कच्चा कच्चा खुशबू आ रही है मसाला का। तो इसको ऐसा करके अच्छा से थोड़ा सा पानी डाल, फ्राई करके रखे थे, मसाला अच्छे से भून गया है।
पूरा मसाला डबल डाल देंगे जो फ्राई करके कम हो गया ये। जो बटाटा वो भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। बटाने के साथ में बनाओगे ना बहुत टेस्टी लगेगा, इसलिए तो बनाई। मसाला डालने में बहुत टेस्टी बने टेस्टी लगेगा। हाँ उसे देख कितना अच्छा लग रहा है खाने में, कितना टेस्टी। इसके साथ ही मतलब पूरी, हाँ रोटी। इसका जब पूरी या रोटी जब खाएंगे ना थोड़ा सा ग्रेवी होना चाहिए, हाँ पतला रहे, हाँ मच्छी का ना। इसको उसमें पानी डाल देंगे अभी। डाल देंगे थोड़ा सा नमी है, नमक का, नमक कम है, नमक डाल देंगे थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नमक नॉर्मल होना चाहिए। उसे खा सकते हैं। हाँ आलू और परवल डालने के लिए ढक देती हूँ, निकाल देंगे। देखो पूरा पानी एकदम, पानी भी मर गया इसका पूरा एकदम, पूरा पक गया। जबरदस्त डाल के मछली डाल देंगे फिश, फिर रेडी पानी। कैसा जबरदस्त लग रहा है ना ग्रेवी, बहुत अच्छा देखने में। बटाना डाले तो और टेस्टी लगेगा खाने में, उतना टेस्ट होता है देखने में, जितना टेस्ट खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्ट। देखने में जितना अच्छा है खाने में उससे जबरदस्त टेस्ट है। ये देखो अब इसमें डालेंगे मच्छी ना, मच्छी उसमें डाल देंगे। एकदम रेडी हो गया, देखो तैयार। अब इसको प्लेटिंग कर लें। के स्टाइल का परवल बटाना डोमा फिश रेसिपी रेडी हो गया है। तो ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और नया नया रेसिपी आप लोग को देखने मिले। तो चलो वीडियो इधर ही एंड करती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और ज़रूर मेरी मम्मी का रेसिपी बना के खाना, बहुत अच्छा लगेगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।